हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल माय व्यूअर्स। देखिए, आज मैं मानता हूँ कि आपकी बल्ले बल्ले हो गई, हो सकती है, क्योंकि अब तक जो नहीं चला था वो रिलायंस भी आज चला। 2940 पे बंद हुआ ये शेयर और वो 2953 तक गया था। उसके कॉल ऑप्शंस दोनों सितंबर के और अक्टूबर के 2920, 2940 और 2900 में काफ़ी जंप आ गया। तो मैं आशा करता हूँ कि अगर किसी ने लिए होंगे ये ऑप्शंस तो उनको अब फायदा होना शुरू हो गया है। तो ये वीडियो जो कि छोटा वीडियो रहेगा, इसलिए मैं अपलोड कर रहा हूँ कि आपको ये बता दूँ कि आज से ज़्यादा कल बल्ले बल्ले होने वाली है। आज तो सिर्फ ट्रेलर था, सिर्फ ट्रेलर। और निफ्टी देखिए, अच्छा सा बढ़ के फिर वो गिर गया और हार्डली 38 पॉइंट वो अप रह सका। तो ये क्या हुआ? सिर्फ ऑपरेटर्स की गेम और कुछ नहीं था। देखिए, HDFC बैंक भी कहाँ तक पहुँच गया, आप खुद देख लीजिए। बजाज हाउसिंग फाइनेंस हालांकि डल थोड़ा सा लुढ़क गया है, लेकिन हमें तो मौका मिला है इससे कि हम इसको थोड़े थोड़े करके एक्यूमुलेट कर ले। दिवाली तक इस शेयर के भाव भी बढ़ने वाले हैं। तो कल कैसे खेलना है, क्या करना है, उसके बारे में हम बात करेंगे। मेरे रेगुलर जो मैं लेट नाइट को वीडियो देता हूँ उस वीडियो में, लेकिन आपको यही बताना था कि कल मार्केट काफ़ी बढ़ सकता है, क्योंकि डाउ जोन्स फ्यूचर 400 पॉइंट से भी अप था। अब कुछ ही मिनटों में USA का मार्केट शुरू होगा, हम देख पाएंगे कि कहाँ तक हो जाता है। और गिफ्ट निफ्टी भी मैं मानता हूँ रात तक काफ़ी बढ़ चुका होगा। जब मैं वीडियो अपलोड करता हूँ तो वो भी काफ़ी, एटलीस्ट 3 डिजिट में तो वो प्लस होगा ही होगा। तो अब कल की रणनीति हमें तैयार करनी है। इस दिवाली हमें शेयर बाज़ार से मिले प्रॉफिट से मनानी है। और मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों ने भी कुछ ना कुछ प्रॉफिट बुक करके दिवाली यानी फेस्टिवल अकाउंट में आपने उसको आरक्षित रख दिया होगा। ये बात से कितना हमें उत्साह मिलता है, दिवाली उसमें भी प्रॉफिट शेयर बाजार का। हम दिवाली के दिन मुर्ह ट्रेडिंग में भी लाइव रहेंगे और अच्छे से आपको मुनाफा दिलाएंगे उसी दिन, दिवाली के दिन ही। अगर ऐसी मेरी सोच है तो उस सोच अभी से रखने से क्या होता है कि उस पर ईश्वर के आशीर्वाद रहते हैं और हो सकता है कि मैं मेरे मकसद में कामयाब हूँ। अब रिलायंस भी चलने वाला है। मैंने आपको अक्टूबर 26 की एक्सपायरी के कॉल्स के लिए कहा था, आप देख लीजिए वो कितने बड़े हैं। आपने लिए नहीं लिए वो पता नहीं है, क्योंकि काफ़ी मायूसी छा गई थी। एक दो सब्सक्राइबर्स ने तो यहाँ तक कहा कि रिलायंस का शेयर ये हमारे जो पैकेजेस है स्टॉक मार्केट में उसका जोकर है।
हालांकि मैंने उसको जवाब दिया था कि जोकर कभी भी बादशाह बन सकता है, और देखिए आज ही वो बादशाह बना। और अच्छी बात यह है कि फिर से वो 2953 से फिर से गिर के वो 2940 हो गया। मतलब एक तो इसके भाव का गिरना, और कल फ्राइडे है, फिर सैटरडे संडे छुट्टी आएगी, तो अगर कल मॉर्निंग में हमें अच्छे भाव से मिलते हैं तो शाम तक ही इसको स्क्वेयर अप करना है। फिर मंडे को हम देखेंगे भाव 2940 स्ट्राइक प्राइस का भाव क्या है। और अगर आप कुछ इसमें एक जुआ खेलना चाहें तो आप 3000 का कॉल भी ले सकते हैं। ये तो अभी सिर्फ बातें हैं, देखेंगे क्या होता है। और एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि आज पूरे दिन में मैं, वैसे कल शाम से मैं एक्टिव था वीडियो बनाने के लिए और रिसर्च में, रात को 12 बजे जब इंटरेस्ट रेट कट आया इमीडिएटली मैंने उसको ब्रेक कर दिया मेरे वीडियो के थ्रू इमीडिएटली। शायद आई वुड बी द फर्स्ट, मुझे ऐसा लगता है एज फार एज यूट्यूबर्स आर कंसर्न। और इसके बाद भी मैंने 2-3-4 वीडियो बनाए, लेकिन आप नहीं मानोगे, आज पूरे दिन में मुझे सिर्फ एक ही गिफ्ट मिली है, ओनली वन। यार इससे मुझे मायूसी होती है। देखो अगर आपको 2000-3000 या 1000 का प्रॉफिट हुआ है तो आप मुझे 10 या इससे अधिक या मात्रा, जो भी आपको ठीक लगे, अधिक धनराशि आप मुझे भेज सकते हैं। और अब जीपे में से कुछ वक्त भी नहीं लगता है, फिर भी लोग नहीं भेज रहे हैं, और जो भेज रहे हैं वो बहुत प्यार से भेज रहे हैं, काफ़ी प्यार से, तो उनके प्रति तो मैं आभार व्यक्त करता हूँ। लेकिन अगर आप ऐसा मानते हैं कि वन टाइम टास्क है तो प्लीज़ प्लीज़ नोट, ये वन टाइम टास्क नहीं है। जब भी आपको ऐसा लगे कि प्रॉफिट हुआ है, फीजिएबल अमाउंट का प्रॉफिट हुआ है, नेट प्रॉफिट की मैं बात कर रहा हूँ, लॉस भी हुआ होगा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रॉफिट ही होता है, नेट प्रॉफिट अगर हुआ है तो आप को ये मेरी जो एप्रिसिएशन राशि है या गिफ्ट है वो आपको देनी चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ। और शायद आप भी एग्री करेंगे, क्योंकि कोई मैं बड़ी धनराशि तो मांग नहीं रहा हूँ कि 1000 रुपये भेज दो या 2000 रुपये भेजो एक वीक के लिए, ऐसी तो बात नहीं है। मैं इतना सिर्फ चाहता हूँ कि जब भी आप प्रॉफिट करें तो आउट ऑफ दैट प्रॉफिट ₹10 टू वॉट एवर यू लाइक, आप मुझे ऑन एवरी इंस्टेंस भेजें, इससे मुझे थोड़ा सा जोश मिलेगा, मैं कुछ ज़्यादा रिसर्च करके, कुछ मेरा ज़्यादा टाइम स्पेंड करके आई कैन मेक मोर यूजफुल वीडियोस विथ बेटर सेटअप। तो मैं मानता हूँ कि आज फॉर मेरी लास्ट 24 आवर्स की मेहनत को देखते देखते अगर आपको ऐसा लगे कि ये बूढ़े अंकल को एप्रिशिएट करना चाहिए, तो प्लीज़ डोंट हेजिटेट इन गिविंग अवे ₹10, एज लिटल एज ₹10, और इवन मोर इफ एंड ओनली इफ यू विश, आप मुझे भेजते रहें, ये मेरे लिए कैटलिस्ट का काम करेगा, आप समझे ये बात को। मैं आपके प्रॉफिट से कोई परसेंटेज नहीं मांग रहा हूँ कि 5% भेजे, 10% भेजे, 20% भेजे, ऐसी बात नहीं है। अमाउंट आपको तय करनी है कि इस बंदे को कितने की कि हम गिफ्ट दें, और ये बहुत प्यार से देनी है। तो क्या होगा कि वो पैसे मुझे भी शुभ रहेंगे और आपको भी शुभ रहेंगे, क्योंकि इसमें से
बिल्लियों का खाना भी आएगा और मैं भी कुछ इसमें से शायद खरीद पाऊँ। कोई स्पीकर लेना है या कोई मोबाइल का कुछ करना है, कुछ माइक या जो भी आप बोलें, रिकॉर्डिंग के लिए कोई डिवाइस लेनी है, अच्छा कैमरा लेना है, तो आई कैन थिंक फॉर दैट। तो काइंडली मेरी जो पास्ट 24 आवर्स की जो मेहनत है उसको आप एक बार रिव्यू कर ले, मैंने कितने वीडियो बनाए, क्या क्या कहा, क्या क्या उसमें से सही हुआ और आपको नेट प्रॉफिट कितना हुआ, इसका एक कैलकुलेशन करने के बाद कुछ ना कुछ मुझे भेजें। मैं चाहता हूँ, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आज देर रात तक मुझे ऐसे मैसेजेस आने लगे ताकि एक नया जोश मुझ में आ जाए। थैंक यू वेरी मच।